आज मेरे साथ है चित्रा जो यूरोप में काम करती है नीदरलैंड्स में भी एक करंटली काम करती हैं और इन्होंने यूरोप में करीबन तीन साल पहले ज्वाइन किया था वेलकम चित्रा टू माय चैनल वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड हाई दिस इज चित्रा मैं नदरलैंड like sure. uh, में करीबन एक साल से हूँ यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करती हूँ उससे पहले मैं स्वीडन में थी वहाँ पे करीबन मैं दो साल से काम कर रही थी एंड उससे पहले मैं इंडिया में आईटी इंडस्ट्री में एज डेवलपर काम करती थी यूजुअली लोगों का क्वेश्चन होता है कि आ, आप नीदरलैंड कैसे आए और आपकी क्या जर्नी रही मैं ऐसे आई मीन नीदरलैंड आना आई कैन से इज़ लाइक अ डेस्टिनी टू मी बिकॉज मैंने ऐसे जब मैं इंडिया में थी मैंने ऐसे कुछ प्लान बनाया नहीं था मैं इंडिया में एक एम में काम करती थी फिर वहाँ से मैं स्वीडन ऑन साइट आई थी फिर ऑन साइट जब मैं स्वीडन में थी वहाँ पे फिर मैं लोकल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्राई की एज इन फॉर नैदरलैंड क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे uh, तो फिर मैं इसीलिए फैमिली रीयूनियन के लिए नेदरलैंड ट्रैवल करना चाहती थी फिर मैंने फिर जॉब सर्च करके ऑफ़र लिया देन आई मूव टू नदरलैंड दैट्स हाउ इट हैज़ बीन और ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जैसे तुमने तो दो कंट्रीज कवर कर लिया इंडिया से स्वीडन स्वीडन से नीदरलैंड्स लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि आप नीदरलैंड में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं तो आ, या तो जॉब सर्च लाइक लाइक आई से अ डेडिकेशन मतलब तुम ऐसे आज सर्च किए और कल बंद कर दो ऐसा नहीं होता है अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस प्लेस पे या पर्टिकुलर कंट्री पे जाना है तो पहले तो उस मतलब रिलेटेड टू योर एरिया और उस कंट्री में कैसा मार्केट है थोड़ा रिसर्च करो पहले ये नदरलैंड था नदरलैंड का मार्केट कैसा था तो मैं जब स्वीडन में थी पहले मैं वो देखी कि आ, मतलब कितनी सैलरी मिलती है फिर आ, कितना ग्रोथ मिलता है इन कंपैरिजन टू स्वीडन कितना अच्छा है ये सब चीज़ें मैं देख रही थी जब मैंने फिर जब वो सब चीज़ें देखा फिर व्हेन आई डिसाइडेड टू कि नहीं मुझे नदरलैंड मूव मुझ करना है तो मैं स्टार्ट की जॉब सर्च अपना तो मैं थोड़ा सा स्टडी की मार्केट को लेके, फिर डेली देर आर सर्टन प्लेसेस वेर यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स जैसे लिंकड इन इज़ द बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म जो आजकल हर कोई करता है then there are few websites also where you can apply for jobs and then if your profile get a match then the recruiter will reach out to you hmm. तो ऐसे होता है but regularly तुम्हें मतलब job पे apply करना पड़ेगा हर रोज I mean हर रोज़ में सोने से पहले दस job पे तो apply करती थी तो ऐसे फिर उसमें से आप जब सौ job में apply करोगे उसमें से पांच छह या उससे कम कॉल्स आएंगे उसमें से आप एक दो को शायद पूरी कम्प्लीटली फाइनल राउंड तक जाके सारे कंप्लीट करके ऑफर लोगे uh, कुछ लोग होते हैं जो इंडिया से भी ये बात करते हैं कि मैंने तो पाँच मैंने सौ में अप्लाई किया मैंने दो सौ में अप्लाई किया और अगर यूरोप में होता तो शायद ज़्यादा कॉल्स आते ये मिथ है या ये सिमिलर रेट है यहाँ पे भी uh, नहीं आई वो से इट्स अ मिथ काइंड ऑफ वो चीज़ मैंने तो फील किया है कि यूरोप में रहने का एडवांटेज है थोड़ा तो है hmm. ऐसा नहीं क्या है क्या वो उनसे नहीं जितना वो बाहर से तुम्हें इंडिया से लेके आएंगे अगर तुम यहाँ से दो साल से काम कर करे हो सो आई थिंक रिक्रूटर रिच आउट टू यू बिकॉज उनको पता चल गया है कि यू हैव बिन वर्किंग इन यूरोप और तुम्हें पता है वर्किंग वे ऑफ वर्किंग कैसा है सो दे हैव दैट ट्रस्ट कहीं ना कहीं ऐसे होता है जैसे बहुत सारे कंपनीज में क्राइटेरिया भी होता है सर्च फॉर कैंडिडेट हु ऑलरेडी आर इन यूरोप एंड या yeah, वो वो भी चीज़ होता है एंड बहुत सारी कंपनीज वीज़ा स्पॉन्सर नहीं भी करती हैं uh, जैसे मेरे केस में आई वॉज़ एलिजिबल फॉर डिपेंडेंट वीज़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास ऑलरेडी एच एस एम वीज़ा था नदरलैंड के लिए बट स्टिल द ऑफर विच आई गॉट फ्रॉम द कंपनी ही आई मीन दैट कंपनी वॉज रेडी टू स्पॉन्सर वीज़ा फॉर मी तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगे जो वीजा स्पॉन्सर करेंगे बट द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज अप्लाई रेगुलरली अप्लाई रेगुलरली इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी थिंग चेक चेक ट्राई टू रीच आउट टू रिक्रूटर ट्राई टू एक्सटेंड योर प्रोफाइल और अपना नेटवर्क बढ़ाओ लोगों को रीच आउट करो एंड दे विल श्योरली हेल्प यूजली अगर क्वेश्चन होता है कि ठीक है यूरोप में जा रहे हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होगा बहुत सारे राउंड्स होंगे बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा तो क्या तुम्हारे क्या राउंड्स हुए जब तुमने इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया राउंड्स जैसे मैं अपने प्रोफाइल के बारे रिलेटेड बोल सकती हूँ मैं एज अ डेवलपर काम करती हूँ ठीक है तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है मैं स्पेसिफिकली यूरोप के बारे में बोलूँगी मैं जितने भी इंटरव्यूज़ दे रही थी उसमें से मिनिमम दो टेक्निकल राउंड रहते हैं जिसमें वो आपका नॉर्मल प्रोग्रामिंग स्किल्स चेक करेंगे इधर वो आपको असाइनमेंट्स देंगे कुछ बना के देने के लिए फिर उस पर आपको मतलब एक दो घंटा उस पर ग्रिल करेंगे आपको पूछेंगे लॉट ऑफ थिंग्स और नहीं तो इमीडिएट इंस्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चनस देते हैं तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप मतलब तुरंत आके वो कर पाओगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग तो प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल्स आपको चीजें सब पता हो फिर आपको कोडिंग क्वेश्चंस और कहीं कहीं पे नॉर्मल टेक्निकल राउंड्स होता है थोड़ा बहुत पूछ के थोड़ा बहुत वहाँ पे सिंटेक्स वगैरह लिखा के ऐसे भी करते हैं बट अच्छी कंपनीज में आई हैव सीन मिनिमम टू राउंड्स ऑफ टेक्निकल तो होते ही होते हैं। hmm. जिसमें वो आपको कोड लिख पाएंगे uh -huh. क्योंकि मैं तो डेवलपर हूँ मैं प्रोग्रामिंग करती हूँ तो यूज़ुअली मेरे तो वही सब राउंड्स हुए हैं तो ऐसे दो टेक्निकल राउंड्स एंड वन एच आर राउंड एंड वन मैनेजरियल राउंड एंड या वन टीम डिस्कशन वेर यू गोना मीट ऑल योर टीम मेम्बर्स तो ऐसे होता है बट या इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर टीम जैसे मेरे रिसेंट कंपनी में मेरा थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था जो यूजुअली होता नहीं है तो ऐसे ऐसे होता है यूजुअली लोगों को ये भी लगता है कि ट्रेड ऑफ करते हैं कि हम इंडिया से मूव कर रहे हैं या दूसरे कंट्री से मूव कर रहे हैं तो कितना पैसा मिलेगा क्या सैलरी रेंज रहेगी तो एक्सपीरियंस रें के हिसाब से बात कर लेते हैं थोड़ा बोल पार्क जैसे जीरो से लेके जीरो वाले तो मोस्टली नहीं आते आई थिंक तो पाँच साल से ऊपर वाले ही लोग मोस्टली आते हैं तो पाँच साल से आठ साल की जो रेंज है वर्क एक्सपीरियंस की उसकी सैलरी क्या होगी आठ से बारह की क्या होगी और बारह से ऊपर की क्या व्यूज़ हैं तुम्हारे उसके लेके क्या एक्सपीरियंस रहा हूँ देखो सैलरी को लेके मेरा जितना एक्सपीरियंस है ज़्यादातर कंपनीज में ना यहाँ बैंड होता है मतलब इट्स नॉट लाइक इफ़ यू वांट मुझे एटी थाउजेंड यूरो दे दो नाइन्टी थाउजेंड यूरो दे दो कंपनी तुम्हें दे देगी ऐसा नहीं होता है वो तुम्हारे एक्सपीरियंस तुम्हारे मतलब लेवल के हिसाब से उनका बैंड होता है जैसे वन टू थ्री बैंड होता है तो तुम किस बैंड पे फिट हो रहे हो दे विल सी एंड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू राउंड जो भी है तुम्हारा है हो रहा है उसके हिसाब से दे विल ऑफर यू सैलरी कभी कभी थोड़ा बहुत वो लोग ज़्यादा मतलब अपने बैंड के हिसाब से अगर तुमने मिड टर्म सैलरी दी है तो थोड़ा मैक्सिमम कर देंगे उतना लेकिन वो बैंड ही होता है सिक्सटी टू एटी इज़ अ बैंड तो तुम्हारी सैलरी तुम्हारे, तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो उतने ही देंगे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सिक्सटी टू ऑफर किए इफ़ यू डोंट अग्री मे बी दे विल ऑफ़र यू सिक्सटी फाइव बट नॉट लाइक कि तुम्हें एक लाख कर देंगे ऐसा नहीं होता है यूजअली तो आई थिंक फाइव टू एट इयर्स के हिसाब से आई थिंक इन नैदरलैंड मार्केट यू विल इजीली गेट अराउंड सिक्सटी टू एटी एंड एटी थाउजेंड यूरो पैनम एंड आई थिंक या एक लाख तक भी पहुँच सकते हो इफ़ यू गेट अ गुड गुड कंपनी या दैट इज़ ऑल्सो

फिर उसके बाद दे डिसाइड कि तुम मतलब इस पर फिट हो रहे हो कि नहीं बहुत टाइम तो वो बोल भी देते हैं तो तु, तु, तुम ओवर क्वालिफाइड हो इस रोल के लिए आई डोंट थिंक कि वी कैन टेक यू इवन दो यू आर इंटरेस्टेड कि नहीं तुम वो प्रोफाइल के लिए रेडी हो बट स्टिल दे विल से नहीं ये जूनियर प्रोफाइल है और तुम्हारा प्रोफाइल काफ़ी सीनियर है तो ऐसा वो लेते नहीं है बाकी वो तुम्हारे या एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो भी एक्चुअली सैलरी वाला डिस्कशन जो एच राउंड में पहले ही राउंड में होता है दे विल टेल यू कि मैं हमारा सिक्सटी टू एटी रेंज है ठीक है इसमें से तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग एक ऑफर करेंगे इफ़ यू आर रेडी देन वी गो एट विद द प्रोसीजर तो फिर वहाँ पे तुम ऑलरेडी बोल चुके हो गए मैंने यूजली ऐसे होता है देन टे डायरेक्टली रिलीज यू ऑफर रिलीज यू एन ऑफ़र एंड इफ़ यू अग्री कि नहीं तुम्हें सब ठीक ठाक लग रहा है सो देन यू गो हैड विथ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है एक सवाल सबके मन में होता है जो सर्विस कंपनीज में काम करते हैं जैसे इन्फोसिस टाइप में कि वो अपने मैनेजर से कैसे बात करें कैसे नेगोशिएट करें कि उनको ऑन साइड जाना है तो तुम्हारा क्या रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए ऑन साइट मतलब ऐसे आई फोन से कि मतलब ऐसे तुम डायरेक्टली मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है यूजुअली uh, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है देर आर टू वेज जहाँ पे तुम शायद ऑन साइड ट्रेवल कर सो एक तो है स्क्रैच प्रोजेक्ट है एंड यू आर लकी टू एंटर इनटू दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट उसमें क्या होता है तुम नए हो क्लाइंट भी नया है उसमें जैसे नॉलेज शेयरिंग थिंग्स और इस वजह से ना यू कैन ट्रैवल टू ऑन साइड बट दैट आल्सो डिपेंड्स मतलब ऐसा कुछ नहीं होता नहीं होता होता नहीं कि तुम्हें मतलब पक्का हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ है नहीं कि तुम्हें मिल ही जाएगा तो यूजअली होता है नहीं तो देन वेन यू स्टार्ट वर्किंग तुम जब क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट करते हो ज़्यादातर सर्विस बेस्ट में तो क्या होता है ना तुम्हारा एक रेपो बनने लगता है कि मतलब काम करते करते धीरे धीरे तुम भी उसमें ग्रो करते हो और क्लाइंट का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है तुम पे सो so देन जब मेरा सिनेरियो था वैसे ही था मैं वहाँ पे तीन साल से काम कर रही थी तो फिर जब मुझे लगा कि नहीं मुझे अभी ग्रोथ चाहिए तो मैं फिर एज यूजल जो सब करते हैं अपनी कंपनी स्विच करने का सोच लिया था देन मैं ट्राई करके ऑफर्स भी ले लिए थे काफ़ी और पेपर भी रिज़ाइन कर लिया था तो इन ऑर्डर टू रिटेन करने के लिए जैसे ही मैनेजर क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रही थी अच्छा रेपुटेशन था मेरा क्लाइंट के सामने तो फिर मैं, जब मैं पेपर डाली तो मुझे मेरे मैनेजर ने बुलाया और डिस्कशन किया कि क्या किया जा सकता है एंड ऑल तो फिर मैंने बोला मेरी जो रिक्वायरमेंट थी मुझे ग्रोथ चाहिए एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं मार्केट देखूँ तो मुझे मैं पीछे जा रही हूँ तो आई वुड लाइक टू स्विच हो ये सब मैं तो फिर उन्होंने फिर अपनी तरफ से मुझे ऑन साइट ऑफर की थी तो फिर मैंने बोल दिया था कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो रेडी नहीं हूँ बट लॉन्ग टर्म है तो या आई कैन थिंक ऑफ दैट तो आई थिंक दे इमिडिएटली अग्री हो गए थे क्योंकि क्लाइंट ऑल्सो न्यू मी और मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही थी उनके साथ सो दे अग्रीड तो बेसिकली अगर आप एक अकाउंट में टाइम स्पेंड करते हो एक प्रोजेक्ट में टाइम हाँ, स्पेंड करते हो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है थोड़ा अपना रेपुटेशन बनाते हो

राइट right, राइट right. एक एक और सवाल जो लोगों के मन में होता है जैसे कि हमने मान लिया हमने अप्रोच किया बहुत सारे रिक्रूटर्स को और वो रिजेक्ट करते रहते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है रिजेक्शन ई मेल्स का आएम श्योर तुम्हें भी हुआ होगा जब नीदरलैंड्स के लिए अप्लाई कर रही थी तो उस फ्रस्ट्रेशन से हैंडल करने का उससे कोई एडवाइस है जो लोग यूज कर सकते हैं जो तुम तुमने यूज़ किया हो खुद के लिए <laughs> नहीं मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि क्यों, एडवाइस क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा इरीटेशन वाला टाइम होता है फ्रस्ट्रेटिंग तो होता ही है आप हज़ार मतलब अप्लाई करते रहो वहाँ से आता रहेगा हमें ये रिक्वायरमेंट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चाहिए हमें डच रिक्वायरमेंट चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल और हमें मतलब अभी वी नीड समबडी हु इज़ ऑलरेडी देयर इन नेदरलैंड तो ये सब सिनेरियोस होता है उसमें सोचो आप मैं सौ सौ अप्लाई करती थी उसमें से चार पाँच का कॉल आएगा उसमें से एक दो पे शॉर्ट लिस्टेड होगा और उनमें से तुम्हें एक को ऑफ़र में कन्वर्ट करना होगा बट मैं वही कोशिश में थी कि मुझे जो भी एक दो कॉल आएगा ना उसको मैं ऑफर में कैसे कन्वर्ट करूँ मुझे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े वो मैं कोशिश में थी प्रिपरेशन भी कर रही थी साइड बाई साइड और यहाँ पर अप्लाई कर रही थी उसका कुछ शॉर्टकट है नहीं द ओनली थिंग इज यू हैव टू डेडिकेटेडली ऑन देयर वे किसी किसी का मतलब बहुत इजीली भी बहुत जल्दी कॉल आ जाता है और जैसे बोलते हैं ना जिस दिन होना होगा तुम्हारा वो हो जाएगा तो मैं पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे हाथ में वो ऑफर होगा तो बेसिकली प्रैक्टिस करते रहना है इस वीडियो में इतना ही अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आपको चित्रा का लिंक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चित्रा को भी रीच आउट कर सकते हैं आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं इनकेस आपकी इच्छा है तो अगर आपको इस तरह कॉन्टेंट पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका कोई बहुत स्पेसिफिक वीडियो का रिक्वेस्ट है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आई विल ट्राई टू मेक इट हैपन एंड दैट्स ऑल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो